न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगौड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगौड़ा के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगौड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगौड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगौड़ा के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगौड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगौड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
लीक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लीक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक
न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। वीडी 12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा वीडी 12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगढ़ की फिल्म वीडी 12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगौड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म वीडी 12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। वीडी 12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने वीडी 12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सितारा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि वीडी 12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। वीडी 12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा वीडी 12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म वीडी 12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म वीडी 12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। वीडी 12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने वीडी 12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सितारा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि वीडी 12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। वीडी 12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा वीडी 12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरूरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगुड़ा के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरूरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगुड़ा के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है।
VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरूरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरूरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि
किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतारा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगढ़ की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगढ़ और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतारा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगढ़ की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगढ़ और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतारा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12
का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगढ़ की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगढ़ और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगढ़ की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगढ़ और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगढ़ की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगढ़ और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म
द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। वीडी 12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने वीडी 12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि वीडी 12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। वीडी 12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा वीडी 12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म वीडी 12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म वीडी 12 से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। वीडी 12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने वीडी 12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि वीडी 12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। वीडी 12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा वीडी 12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म वीडी 12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म वीडी 12 से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। वीडी 12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने वीडी 12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने
लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है।
VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। चित्रा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। चित्रा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। चित्रा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। चित्रा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। चित्रा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में।
विजय देवगौड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद
निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक
न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगढ़ की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगढ़ और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सितारा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सितारा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरी कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगढ़ के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय देवगुड़ा की फिल्म VD12 से न्यू पोस्टर और शूटिंग का न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। विजय देवगुड़ा और उनके प्रशंसकों को उनकी नई फिल्म VD12 से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म द फैमिली स्टार फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में विजय इस अस्थाई शीर्ष वाली फिल्म से वापसी करना चाहेंगे। इसी बीच इस फिल्म के निर्माताओं की ओर से इसका फर्स्ट लुक को लेकर हम जानकारी साझा की गई है। VD12 के सेट से एक तस्वीर लिंक हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिंक होने के बाद निर्माता ने VD12 के फर्स्ट लुक पर अपडेट दिया है। फिल्म निर्माता ने तस्वीर लिंक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिंक पोस्टर को शेयर न करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि हम आपके उत्साह और जोश को साझा करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसी भी लीक को साझा करने से बचे। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका पहला लुक बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सीतरा एंटरटेनमेंट की ओर से यह भी लिखा गया है कि VD12 की पूरी टीम आपको सिनेमा घर में एक न भूलने वाला अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। VD12 का निर्देशक गौतम तिनुरूरी कर रहे हैं। सितरा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर फॉर सिनेमा द्वारा VD12 का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में अनुरोध रविचंद्र का संगीत सुनने को मिलेगा। फिल्म में विजय देवगुड़ा के अलावा भाग्यश्री बोसे भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक एक्शन फिल्म 2025 में रिलीज होगी।